अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। क्लास फोर, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ द मैथ्स रूल। क्लास, एज यू ऑल नो, देयर आर फोर एरिथमेटिक ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो व्हेन देयर आर टू ऑपरेशंस लाइक प्लस एंड माइनस, addition and subtraction or multiplication and division in an expression, we solve from the left and operations are in sequence. It means you have to solve the question from the left side, whether it is plus, whether it is minus, multiplication or division. आपने left से जो भी sign होगा उसको solve करना start करना, ठीक है? Here we have our classwork and our question here is 14 minus 5 plus 6. Now I'm going to solve it. Students, you can see here the first operation is minus and the minus sign is between 14 and 5. So we will first solve subtraction, okay? So 14 minus 5 we will get 9, and after that we have 9 plus 6. Adding 6 into 9 we will get 15. Clear, students? Now students, when there are two operations like multiplication with addition or multiply sign with addition or subtraction or division sign with plus or minus or more than two operations, then we use the mass rule. अगर किसी expression में students multiply का sign addition या subtraction के साथ आता है या division sign addition और subtraction के साथ आता है तो हम left side से solve नहीं करेंगे। Instead of solving from left side, we will use the mass rule. Okay? We will apply the mass rule. So, the point here is, what is the mass rule? The mass rule hota kya hai? Now, I am going to tell you about the mass rule. As from name D mass, D stands for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. The operations are used in sequence given in the mass. It means जो sequence हमें दिया हुआ है, like first is division, then multiplication, then addition, and in last subtraction, we have to solve the question according to the sequence. Clear? आपने left से नहीं solve करना, आपने अब the mass rule के accordingly solve करना है. और वो कब करना है? I have told you already the condition. जब आपको multiply का sign addition या subtraction के साथ आ जाए या division sign addition या subtraction के साथ आ जाए तो आपने the mass rule apply करना है. और अगर two से ज़्यादा operations हो, like three हो जाते हैं, four हो जाते हैं, किसी आपके expression में, question में थ्री ऑपरेशन है, लाइक प्लस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, तीनों एक साथ हैं, ये चारों ऑपरेशन एक साथ आ जाते हैं, फोर ऑपरेशन एक साथ आते हैं, तो आप डी मैथ्स रूल अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ दिस इज आल्सो योर क्लास वर्क. यू हैव टू डू इट आफ्टर ऑनलाइन फोल्डर. डोंट मिक्स इट अप विद योर रेगुलर क्लास वर्क. ओके, सो द क्वेश्चन हेयर इज 10 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से सॉल्व नहीं करेंगे, वो हम एडिशन फर्स्ट पे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डी मैथ्स रूल अप्लाई करेंगे. क्यों करेंगे अप्लाई? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब हमारा एडिशन साइन मल्टीप्लिकेशन के साथ आ जाए या मल्टीप्लाई का साइन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ हमें आ जाए तो हम डी मैथ्स रूल अप्लाई करते हैं. अब स्टूडेंट्स, एज फ्रॉम डी मैथ्स,
डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, यहाँ पे हमारे पास कोई डिवीजन साइन नहीं है तो हम डिवीजन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, येस वी हैव मल्टीप्लाई साइन एंड द मल्टीप्लीकेशन साइन इज बिटवीन 3 and 4, सो 3 × 4 वी विल गेट 12। नाउ हियर वी हैव 12, नाउ वी हैव 10 + 12, मल्टीप्लाई भी हमने कर लिया और अब हमारे पास है एडिशन। नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन, एडिंग 12 × 10 वी विल गेट 32, सो आंसर विल बी 32। सब्ट्रैक्शन साइन हमारे पास था नहीं तो ये हम सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं, तो हमारा आंसर है 32। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर सी वर्क, क्लास वर्क, एंड फॉर टुडे होमवर्क इज सॉल्व दिस 5, ए इज 5 × 4/2 एंड बी इज 7 − 60/12। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेयर द डीमैस रूल विल बी अप्लाइड। ओके, कि डीमैस रूल कहाँ पे अप्लाई होना है ये आपने खुद डिसाइड करना है, और कहाँ से हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे वो भी आपने खुद डिसाइड करना है। आपको आज के लेक्चर में ये क्लियरली बता दिया गया है कि कहाँ हम डीमैस रूल अप्लाई करेंगे और कहाँ हम लेफ्ट साइड से अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे एंड आई होप आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।